राम जय हिंद। तो कई बार आपने देखा होगा कि आप जब भी वजन घटाने की कोशिश करते हो तो आपकी स्किन लूज हो जाती है। खासकर ये उन केसेस में होता है जिनका वजन, जिन्होंने 35 से 40 किलो वजन घटाया होता है, उनके साथ ही दिक्कत बहुत आती है कि उनकी स्किन लूज हो जाती है। तो क्या 5 चीजें आप फॉलो कर सकते हो जिससे आप इस लूज स्किन से छुटकारा पा सकते हो या अपनी स्किन को टाइटन कर सकते हो? ठीक है, देखो पूरा 100% रिजल्ट इसमें नहीं मिलने वाले, ये आप ध्यान रखो, लेकिन हाँ कुछ हद तक आपकी बॉडी का पोस्चर थोड़ा सा सही लगेगा और देखने में भी ठीक लगेगा। पहला काम आपको ये करना है, जब भी आप वेट लॉस कर रहे हो तो आप अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को जरूर ऐड करो। रनिंग से क्या होता है, हमारी बॉडी का फैट और वेट दोनों जा रहा होता है, लेकिन जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऐड करते हो तो आपकी मसल बिल्ड हो रही होती है। और मसल बिल्ड होने का मतलब ये है, मान लो जैसे ये मेरा हाथ है, ठीक है, स्किन लूज हो गई पूरी तरीके से, स्किन लूज है, ठीक है। अब हमने जब ये वेट उठाया तो उससे क्या होता है, मसल बिल्ड हुई। मसल बिल्ड हुई तो जो ये लूज स्किन है ये आपकी मसल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, जिससे कि आपका क्या होगा, ये लूज स्किन की समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। तो पहला काम आपको ये करना है जब भी आप वेट लॉस कर रहे हो, क्योंकि YouTube पे आप देखोगे सिर्फ दौड़ा दौड़ा के वजन कम कर रहे हैं, उससे कोई कुछ फायदा नहीं है आपका। पहली चीज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऐड करो अगर आपको लूज स्किन से छुटकारा चाहिए। दूसरी चीज मसाज, आप अपनी जब भी वेट लॉस की जर्नी जी चालू कर रहे हो, जब भी आप वेट लॉस कर रहे हो, आप मसाज डेली बेसिस पे ऐड करो। मसाज से क्या होता है, आपकी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है उसका फ्लो बढ़ता है, उसके साथ साथ क्या होता है, जो आपकी बॉडी में फाइब्रोब्लास्ट हैं वो स्टिम्युलेट होते हैं। उनका मतलब क्या होता है, जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं ये आपकी जो स्किन के टिश्यू है इनको बनाने का एक प्रोसीजर है, ठीक है। तो स्किन टिश्यू आपके रिपेयर होते हैं और नए स्किन टिश्यू बिल्ड होते हैं, जिससे कि क्या होता है कि आपकी बॉडी में इलास्टिसिटी आती है, या कहें आपकी स्किन जो है वो टाइट होती है। तो दूसरी चीज आपको ये समझनी पड़ेगी कि डेली बेसिस पे आपको मसाज करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरी चीज की तरफ अगर हम चलें यहाँ पे, तो कोलेजन, कोलेजन एक ऐसा मतलब सप्लीमेंट है जो आप ले सकते हो, जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत हेल्दी है। ये बोले तो एक तरीके से प्रोटीन का ही बाय प्रोडक्ट है, प्रोटीन का ही सपोर्टर तरीके सा है, ठीक है। तो ये आपकी स्किन के लिए, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी के लिए, या फिर आपकी कहें आपकी स्किन की क्वालिटी के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो ये आपकी स्किन को भी टाइटनिंग करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा कोलेजन, लेकिन 100% कुछ भी प्रोडक्ट काम नहीं करेंगे, इतना ध्यान रखना, ठीक है। 70-80% का मार्जिन ही रहता है इसमें, ठीक। अगली अगर हम बात करें चौथी चीज, तो आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा जो कि आपकी स्किन की क्वालिटी को समझेगा, आपकी बॉडी को समझेगा। हर समय यूट्यूब पे भरोसा करके आप जो भी ज्ञान दिया जाता है उसको फॉलो मत कर लिया करो। तो चौथी चीज आपको क्या करनी है, एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है, तो इससे संपर्क करना। ये डॉक्टर होते हैं स्किन से आपके हेयर के मतलब बॉडी का जो कॉस्मेटिक तरीके से अगर हम बात करें तो उनके सर्जन होते हैं। ये एक नॉन सर्जिकल एक ऑपरेशन होता है जिसके तहत आपकी जो स्किन लूज स्किन है उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। मतलब इसमें ऑपरेशन नहीं होता है, इसमें नॉर्मल एक कोई सर्जरी टाइप होती है जिसमें कि ऑपरेट नहीं करते हैं उसको, सर्जरी नहीं होती, मतलब कुल मिला के एक ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। अगला अगर हम आखिरी बात करें तो लेजर ट्रीटमेंट होता है। लेजर ट्रीटमेंट के द्वारा अगर आपकी बहुत स्किन लटक रही है तो उसको आप किसी भी तरीके से ठीक नहीं कर सकते हो, आपको लेजर ट्रीटमेंट ही कराना पड़ेगा। इसीलिए हमने बोला कि आप एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट, या फिर यार ये प्रोनाउंसिएशन बड़ा गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, और या फिर आप जो भी कॉस्मेटिक सर्जन होते हैं उनसे मिलो जाके, तो वो आपको लेजर ट्रीटमेंट की सलाह देंगे, जो कि आपके लिए मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा लटकती है। थोड़ी बहुत है तो उसको मैनेज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 5 पॉइंट आप फॉलो करो और आपकी जो लटकती हुई चर्बी है इससे आप छुटकारा आपको मिल जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं फैट लॉस के किसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।